हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक स्टार्ट करेंगे चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये फर्स्ट चैप्टर होगा अपना। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करके धीरे धीरे ग्रो करके एकदम जे एडवांस लेवल तक के मैथमेटिक्स में जाएंगे। और ये मानते हुए चलते हैं कि ये आपने केवल टेंथ तक पढ़ा है, इलेवेंथ ट्वेल्थ आपने नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स, आपने टेंथ तक पढ़ा है, उस हिसाब से ये कंसीडर करके चला जाएगा और एकदम बेसिक से चल के पूरा जे एडवांस लेवल तक का कवर होगा। तो पहला चैप्टर हम लोग लेंगे तो और कवर सारे होंगे, इलेवेंथ ट्वेल्थ के जितने सारे टॉपिक हैं आपके सारे कवर होंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या, इसकी बात जो है बाद में करेंगे हम लोग, क्योंकि इससे पहले आता है एक टॉपिक छोटा सा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दो तीन लेक्चर, उसके बाद में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एक्चुअली स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का डिनोशन क्या होता है, मान लीजिए ये लिखा है ये, तो इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल एम। क्या करेंगे, फैक्टोरियल एम। और एन आपका क्या होना चाहिए, एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी ये जो फैक्टोरियल डिफाइन किया जाता है ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन किया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मीनिंग क्या होता है, जो फैक्टोरियल एन जो होता है वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। यानी यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 10 है तो आप 1 से शुरू करेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 करते चले जाएंगे, आप कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, n होना चाहिए। और n के जस्ट पहले वाला क्या होगा, n-1 होगा। तो ये होता है फैक्टोरियल n का मीनिंग, मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन को बोला जाता है फैक्टोरियल एन। और जो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है, ये फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये डिफाइन नहीं है। तो ये होता है फैक्टोरियल एन। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखे हैं आप फैक्टोरियल एन की वैल्यू 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते करते एन तक जाए, या एन से घटते घटते एन इंटू एक कम करिए से n-2, एक और कम करिए इंटू n-2, ऐसे 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 आप घटते हुए किधर जाएंगे, इसको इधर से देखिए, तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये होता है फैक्टोरियल n। तो इसको क्या डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्या डिफिनीशन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो फैक्टोरियल एन बोला जाता है, बस सीधा सीधा ये मतलब हो गया। अब हम लोग एक चीज करते हैं कि फैक्टोरियल जीरो की भी जरूरत पड़ती है हम लोग को आगे, तो फैक्टोरियल जीरो भी देख लेते हैं क्या होता है। वैसे तो फैक्टोरियल जीरो का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल एन क्या डिफाइन है, लेकिन कंसिडरेशन के लिए फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये देखिए आप, जैसे कि जो आपका फैक्टोरियल एन है 1 × 2 × 3 × 8 कहां तक जाएगा, लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन एन रहेगा, उसके पहले वाला n-1। और फैक्टोरियल कैसे डिफाइन है कि 1 से लेके अगर 10 तक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है तो फैक्टोरियल 10, ये 1 से लेके n का मल्टीप्लीकेशन है n नेचुरल नंबर्स का तो ये फैक्टोरियल n, लेकिन अगर n को छोड़ दिया जाए
तो ये एक से लेके कितने तक का मल्टीप्लिकेशन है, एन माइनस वन तक का। तो ये इतने को अगर देखा जाए, ये इसको आप लिख सकते हैं एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एन माइनस वन का मतलब कि इसके अंदर जो होना चाहिए एन माइनस वन है, तो एक से मल्टीप्लाई करते हुए नेचुरल नंबर्स कहां तक जाएंगे, एन माइनस वन तक। यानी हम हमेशा फैक्टोरियल एन को, ये एन तो मल्टीप्लीकेशन में पड़ा ही है, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये कोई फार्मूला जैसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा भी ध्यान देते हैं हम लोग। ये फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एन बराबर वन पुट कर देते हैं, एन बराबर वन दोनों साइड में। तो उधर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल वन, इधर क्या हो जाएगा, वन इंटू वन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो वन से वन गया जीरो, जीरो को, यानी ये क्या हो गया, जीरो का फैक्टोरियल। इसको यही रहने देते हैं, इसको एक का फैक्टोरियल मतलब एक, एक बटा एक, ये क्या हो गया एक। यानी फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन। इसका कोई रियल मीनिंग नहीं निकल रहा है कि जीरो से लेके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जीरो से लेके कौन से नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, इसका कोई रियल मीनिंग नहीं। लेकिन कंसिडरेशन के लिए हम लोग यहाँ निकालिए कि फैक्टोरियल जीरो अगर आएगा कहीं पे तो उसकी वैल्यू वन होगी। तो फैक्टोरियल का ये मीनिंग हो गया। अब हम लोग करेंगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फैक्टोरियल्स की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी जाती है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल एट अपॉन फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू, फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल सेवन इंटू फैक्टोरियल थ्री। तो पहला हम लोग लेते हैं फैक्टोरियल एट अपॉन फैक्टोरियल फाइव। तो फैक्टोरियल एट का मतलब क्या होगा कि एक से मल्टीप्लाई करते हुए आप कहां तक जाओ, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इंटू एट, एट तक जाओ। और फैक्टोरियल फाइव का मतलब वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। अब ये आपका ये पूरा खत्म हो गया, ये क्या आ गया, छः बड़े सात बड़े आठ। ये आ गया थ्री थ्री सिक्स। अब हम लोग देखिए एक काम करते हैं, जो फैक्टोरियल एट अपॉन फैक्टोरियल फाइव है, जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा उसको हम लोग ओपन करना शुरू करेंगे। और कैसे, वन इंटू टू इंटू नहीं, बड़े यहां से शुरू करेंगे, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू, आगे क्या आएगा, फाइव आएगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन आएगा ये। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, हम उसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल फाइव। और ये फैक्टोरियल फाइव नीचे पड़ा है, तो ये फैक्टोरियल फाइव, ये फैक्टोरियल फाइव कैंसिल हो गया, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स, ये आ गया थ्री थ्री सिक्स। यानी आपको कोई फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, फैक्टोरियल बड़े वाले फैक्टोरियल को उल्टा ओपन करेंगे। जैसे उल्टा ओपन करने का मतलब कि आठ बड़े सात बड़े और वहां तक जाएंगे जहां तक ये मिल ना जाए, बस वहीं रोक देंगे, उसके बाद कैंसिल कर देंगे। जैसे आपको बोला जाए अगला है फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल सेवन इंटू फैक्टोरियल थ्री। आप क्या करेंगे, 10 को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे, अब 7 6 5 4 3 2 1, यहां नीचे हमको फैक्टोरियल 7 दिख रहा है तो 7 पे ही ब्रेक लगा दिया, 7 को फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया, और 3 के फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू
वन कर दिया, सेवन का फैक्टोरियल, सेवन का फैक्टोरियल खत्म हो गया, ये 10 बुढ़े 9 बुढ़े 8 बटा 3 बुढ़े 2। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये आ गया 120। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 21 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे ये थोड़ी करेंगे कि फैक्टोरियल 25 की वैल्यू लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 25 उसको निकालेंगे, फिर ये कुछ नहीं। आप क्या करेंगे, बड़ा वाला फैक्टोरियल है 25, इसको क्या लिखेंगे, 25 × 24 × 23 × 22 × आगे क्या है, 21 से लेके 1 तक मल्टीप्लीकेशन, तो उसको हमने क्या लिख दिया 21 का फैक्टोरियल, और नीचे 21 का फैक्टोरियल है, और ये 21 का फैक्टोरियल ये और ये कैंसिल हो गया, सीधा सीधा आपका आ गया ये 25 × 24 × 23 × 22। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल की वैल्यू, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे, बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, वहीं तक जाएंगे जहां छोटा वाला फैक्टोरियल मिल जाए। जैसे 25 को कहां तक ओपन करेंगे, 22 तक लिखेंगे, उसके बाद 21 का फैक्टोरियल हमने कर दिया। अब एक टाइप का क्वेश्चन और इसमें बनता है कि आपको कुछ नंबर मल्टीप्लीकेशन में दिए रहेंगे और उसको आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा कि आपको कुछ नंबर मल्टीप्लीकेशन में दिए रहेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल। पहला है आपका 7 × 8 × 9, तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको, जो नंबर है आपको उस नंबर, बड़ा वाला जो नंबर है उससे शुरू होके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी फैक्टोरियल बन पाएगा। तो यहां बड़ा वाला नंबर 9 है, तो हमने क्या लिखा, 7 × 8 × 9, यानी इसको हमने थोड़ा ऐसा लिख लिया 9 × 8 × 7। अब क्या किया, अगर इधर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अगर इधर होता तो बात ही बन जाती, तो क्या कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी से जब मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किसी नंबर में आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अभी ऊपर आपका क्या हो गया, 9 से लेके 1 तक है, तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 9, और नीचे क्या है, फैक्टोरियल 6, ये आपका कन्वर्ट हो गया। सेकेंड है आपका 2 × 4 × 6 × 8, तो आप क्या करेंगे, यहां से जो है 2 को हमने क्या लिख दिया, 2 × 1, 4 को क्या लिख दिया, 2 × 2, 6 को क्या लिख दिया, 2 × 3, 8 को क्या लिख दिया, 2 × 4। अब क्या करते हैं, जो सारे ब्रैकेट हैं, यहां से 2 निकाला, यहां से भी 2 निकाला, इसको इसको भी मल्टीप्लीकेशन में 2, यहां 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 से सारे 2 को निकाल के अलग कर दिया, तो यहां मल्टीप्लीकेशन में बचा 1, यहां बचा × 2, वहां बचा 3, और यहां बचा 4, और ये क्या हो गया आपका 2 × 2 × 4 × 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 4। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 × 2 × 4 × फैक्टोरियल 4। इसका तीसरा पार्ट है
टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट इंटू ये आपका है टू एन माइनस टू इंटू टू एन। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट वाला जो किया था एकदम सेम टाइप का है, सारे ब्रेकेट से दो दो अगर कॉमन ले लें, यानी पहले वाले को क्या लिख दिया हमने टू को टू इंटू वन, फोर को क्या लिख सकते हैं टू इंटू टू, सिक्स को क्या लिख देंगे टू इंटू थ्री, एट को क्या लिख देंगे टू इंटू फोर, और इसी पैटर्न से चलता चला जाएगा। टू एन को क्या लिख देंगे टू इंटू एन, और टू एन माइनस टू को क्या लिखेंगे टू इंटू एन माइनस वन। ये अब क्या करते हैं सारे ब्रेकेट से दो दो को अलग कर लेते हैं, दो कितने ब्रेकेट हैं यहां से यहां तक, दो से लेके दो एन तक, दो से लेके अगर आठ तक जाएं तो आप चार ब्रेकेट मिलेंगे, दो से लेकर दस तक जाएं पांच ब्रेकेट, तो दो से लेके टू एन तक जाएंगे तो दो से आप डिवाइड कर दीजिए यानी टोटल ब्रेकेट कितने हैं एन, एन ब्रेकेट। तो ये दो 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 मल्टीप्लीकेशन में कितनी बार हो गया यहाँ पे एन बार, एन टाइम्स, ये इसको अलग हम लोगों ने कर लिया। और इंटू आपका क्या बचा पहले वाले से, यहाँ इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, ये आपका क्या हो गया वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, ये एन माइनस वन इंटू एन, दो 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 एन बार मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो गया टू के पावर एन, और वो वन इंटू टू इंटू डॉट डॉट कहां तक मल्टीप्लीकेशन है एन, तो वो क्या हो गया एन का फैक्टोरियल, ये आपका कन्वर्ट हो गया। एक पार्ट इसमें और है वो भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट इसका है वन इंटू थ्री इंटू फाइव, वन इंटू थ्री इंटू फाइव ये कहां तक मल्टीप्लीकेशन है टू एन माइनस वन तक, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू टू एन माइनस वन, एक के बाद दो अगर होता तीन के बाद चार होता, यानी सारे देखिए आप आर नंबर लिखे हैं और सारे जो इवन नंबर है वो मिसिंग है। इवन नंबर क्या वन के बाद टू, टू से क्या करें मल्टीप्लाई कर दिए, थ्री के बाद फोर की जरूरत है उससे कर दिए, फिर सिक्स से कर दिए, और कहां तक ऐसे करते चलेंगे टू एन माइनस वन के बाद वाला जो नंबर होगा वो टू एन होगा, यानी इससे पूरे से हम लोग क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने से ये होगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन, यानी फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। और इस नंबर में आप जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उसी से आप डिवाइड भी करिए तभी सेम रहेगा ये टू एन। ऊपर वाला क्या हो गया आपका लिख देंगे आप इसको बीच बीच में लाके रख दीजिए, यानी ये वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू डॉट डॉट ये टू एन हो गया, और नीचे क्या है सारे ब्रेकेट से दो कॉमन ले लेंगे, तो अभी हमने किया है कि ये सारे ब्रेकेट से तो कितने ब्रेकेट हैं एन ब्रेकेट हैं, तो दो दो कितनी बार आ जाएगा एन बार आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में एन टाइम्स, और क्या बचेगा वन इंटू टू इंटू थ्री डॉट 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 एन। तो ऊपर वाला क्या हो गया टू एन का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो गया दो 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 एन बार मल्टीप्लाई है तो इसको हमने लिख दिया टू के पावर एन, और इंटू ये क्या है वन टू थ्री एन तक मल्टीप्लीकेशन है ये फैक्टोरियल एन। तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना और थोड़ा बहुत सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।